नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल एग्जाम स्टोर। तो एग्जाम स्टोर चैनल में मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। फ्रेंड, सबसे पहले आपको 2021 की एडवांस में हैप्पी न्यू ईयर। फ्रेंड, आपकी फैमिली जो है 1.8K के करीब है, तो लगभग 3 या 4 सब्सक्राइबर की देरी है। अगर आप वीडियो बने हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा या वीडियो की इतना शेयर कर दीजिएगा कि आपकी फैमिली 1.8K के करीब हो जाए। मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि SSC दिल्ली पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का रिजल्ट कब आएगा। बहुत सारे कैंडिडेट जो है इस एग्ज़ाम के रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, तो उनके लिए बहुत ही बड़ी खबर हो सकती है क्योंकि उनका रिजल्ट जो है कब आने वाला है इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेट्स चेक इट। तो फ्रेंड, मैं यहां से आपको दिखाता हूं, दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव पुरुष और महिला भर्ती के लिए लिखित परीक्षा के नतीजे अगले साल यानी मार्च 2021 को जारी किए जाएंगे। तो फ्रेंड, आपका मार्च जो है ये 2021 में आपका जो इसका रिजल्ट घोषित किया जाएगा, 15 मार्च को है जो आपका रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा। इसके लिए कर्मचारी चयन आयोग SSC की वेबसाइट पर रिजल्ट की तारीखों का एक नोटिफिकेशन भी जारी किया है। मैं उस वीडियो में बताया हूँ कि किस किस का जो है रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा 2021 में, जिसमें विभिन्न परीक्षाओं की तिथि के बारे में बताया गया है। जिन उम्मीदवारों ने परीक्षा दी थी वे वेबसाइट पर भर्ती परीक्षा के नतीजे देख सकेंगे। आपको बता दें कि परीक्षा के लिए 28,77,035 आवेदन मिले थे और यह परीक्षा जो है आपकी 27 नवंबर से 14 दिसंबर के बीच जो है आयोजित की गई थी। मध्य क्षेत्र से लगभग कितने थे, 7,66,040 उम्मीदवार पंजीकृत थे। वहीं मध्य क्षेत्र की परीक्षा उत्तर प्रदेश और बिहार के 17 जनपदों में आयोजित हुई थी और इसके लिए कितने 85 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे। परीक्षा जो है ऑनलाइन मोड में 3 शिफ्ट में हुई थी। दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल के लिए रूप में चयनित उम्मीदवारों को 5,200 से 20,200 सैलरी प्लस ग्रेड वेतन 2,000 रुपये मिलेगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों, लव यू ऑल।